नमस्कार दोस्तों, अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां एक कलयुगी पिता 8 महीने तक अपनी बेटी से दुष्कर्म करता रहा और 11 साल की बच्ची गर्भवती हो गई है। जब पीड़िता की मां को इस घटना का पता चला तो वह अपनी बेटी को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्ची की जान को खतरा बताया। इसके बावजूद राजस्थान हाईकोर्ट ने गर्भपात की अनुमति नहीं दी। अब 1 महीने बाद मासूम की डिलीवरी होनी है। ये घटना जयपुर के ग्रामीण इलाके की है, जहां कुछ महीने पहले एक दलित परिवार में पिता द्वारा अपनी ही बेटी के साथ घिनौना काम किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी अपनी मंद बुद्धि पत्नी को बेटे के साथ मायके भेज देता था, फिर अपनी बेटी के साथ गलत काम करता था। बच्ची ने चीख पुकार भी की, लेकिन आरोपी पिता ने डरा धमका कर उसका मुंह बंद कर दिया। करीब 1 साल तक यह सिलसिला चलता रहा, लेकिन एक दिन जब बच्ची की तबीयत बिगड़ी तो आरोपी ने बेटी को उसके ननिहाल में छोड़ दिया। फिर ज़्यादा तबीयत खराब हुई तो बच्ची रोने लगी। मामा ने दुलारा तो उसने अपना दर्द बयां कर दिया। तुरंत ही इस घटना की शिकायत स्थानीय थाने में दर्ज कराई और पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब 11 साल की मासूम 8 महीने की गर्भवती है और हाईकोर्ट ने उसे गर्भपात की अनुमति नहीं दी है, क्योंकि मेडिकल बोर्ड के अनुसार इससे बच्ची की जान को खतरा हो सकता है। वहीं दोस्तों, फिलहाल गर्भवती बच्ची को नर्स की देखरेख में बालिका गृह में रखा गया है और नवजात होने पर उसको बाल कल्याण समिति को सौंप दिया जाएगा। इधर आरोपी पिता के सैंपल भेज दिए हैं, लेकिन डीएनए रिपोर्ट का अभी इंतजार किया जा रहा है। तो अब तक की सबसे बड़ी और बेहद शर्मसार खबर सामने आ रही है। राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता फतेहचंद सैनी ने बताया कि बीते 16 जनवरी को पिटीशन फाइल की और मेडिकल बोर्ड से भी चर्चा की। इससे पता चला है कि 11 साल की उम्र में मां बनने और पूर्ण विकसित भ्रूण का गर्भपात करने में क्या नुकसान हो सकता है, लेकिन बच्ची की उम्र, वजन और भ्रूण की स्थिति देखते हुए हाईकोर्ट ने गर्भपात से इनकार कर दिया है। फिलहाल दोस्तों, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब तक की सबसे बड़ी दुखद खबर सामने आ रही है।